गाइडलाइन वेबिनार। ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म, फर्स्ट एड मेडिसिन बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको ये वेबिनार फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ और डॉक्टर उस्मान हैदर स्पीकर हैं और डॉक्टर अहमद समीद ये हमारे आज के गेस्ट हैं जो कि आपको ओईटी के बारे में बताएंगे। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ओईटी में आपके तीन तरह के टेस्ट होते हैं, फोर्थ तरह के टेस्ट होता है, रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो जो जो रीडिंग और लिसनिंग है ये आपकी आपको प्रैक्टिस से आना है, लेकिन इसके टिप्स हैं लाइक कि आपने गाड़ी चलानी है, आपको बता दिया जाए कि ये यहाँ से आपने गियर लगाना है, यहाँ आपने ब्रेक लगानी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी भी आप वो नहीं कर सकते। तो टिप्स एक दफा आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई पर्सन, कोई ट्यूटर, कोई एकेडमी आपकी रीडिंग या लिसनिंग में कोई बड़ी हेल्प नहीं कर सकती। सिर्फ एक दफा आपको टिप्स बताएगी, वो आधे घंटे में, वो 30 मिनट में आपको बता देगी। कोई ट्यूटर आपको 30 मिनट में बता देगा भाई ये टिप्स को आपने फॉलो करना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें कोई एकेडमी, कोई ट्यूटर आपकी बड़ी हेल्प नहीं करेगा। जिसमें अकेडमी ट्यूटर हेल्प करते हैं वो आपकी स्पीकिंग है और राइटिंग है, ठीक है। इसमें आपका कोई दोस्त जिसका पहले से ओईटी पास हो, इसमें कोई ट्यूटर, वो आप, वो स्पीकिंग में आपका स्टडी पार्टनर। ओईटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जो आपके मेडिकल से थोड़ा से हटके होता है तो आपका दिल नहीं करता पढ़ने को, आपका दिल नहीं करता। तो इसलिए अगर आपको स्टडी पार्टनर होगा तो आप इजीली टेस्ट कर लेंगे। रोजाना के आप 4 आवर्स, 4 टेस्ट करने, 4 आवर आपने निकालने हैं। जो भी जॉब करते हैं आपने 4 आवर निकाल लेने हैं जिसमें आपने ये 4 टेस्ट आपने किया करने हैं। तो आपने रीडिंग और लिसनिंग, इसमें ये किस तरह, क्या टिप्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है इसके, और ये किस तरह का टेस्ट होता है, तो डॉक्टर उस्मान हैदर और डॉक्टर अहमद समीद आपको बताएंगे अभी। तो अभी मैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड, पार्टिसिपेंट में अपना नेम लिखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, डॉक्टर उस्मान आप शुरू करें। इसको ज़ूम कर लें। फाइल्स आपने सिर्फ ओपन करनी है, ये आपकी फाइल रिलीज होने वाली है। ठीक 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 है।
जी अस्सलाम वालेकुम, इट इज डॉक्टर अहमद समीद हियर. I have taken my step 1 and 2 and I have also taken my OET and as for from now I am speaking to you from OET platform provided by Dr. Hafiz Atif. So students, firstly let me give you a little bit of outline of this exam. इस एग्जाम में बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले ना आपके पास जो पोर्शन आता है ना वो आता है रीडिंग का और इट कैन बी लिसनिंग. ठीक है, तो फर्स्टली जो रीडिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीडिंग के में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आई होप यू कैन यू गाइस कैन लिसन टू मी क्लियरली. जी तो मैं रीडिंग की बात कर रहा था. रीडिंग में जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो आपका पार्ट ए होता है. जितना बेटर आप परफॉर्म करेंगे पार्ट ए में दैट इज गोइंग टू डिसाइड के हाउ योर होल एग्जाम इज गोइंग. पार्ट ए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट. सो लेट मी गिव यू एन आउटलाइन दैट हाउ पार्ट ए डज वर्क. You got 15 minutes. Although listening exam is reading exam is of 1 hour, but for part A you only got 15 minutes. ठीक है जी, तो इन 15 मिनट में आपने क्या करना होता है कि आपने 20 MCQ attempt करने होते हैं. There would be text A, B, C and D, as you can see on your screen. There is text A, there is text B. There is text C and then at the last there is text D. Now, I would like to come you on the next page. As you can see, there comes the part A. Am I making myself clear now? Okay, I think I would share with you my approach, how I used to do my exam. You see, the part A. डॉक्टर सुनीद, आप इसमें पहले पार्ट में कितने वो क्वेश्चन होते हैं और कितने मिनट्स होते हैं, और पार्ट बी जो है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में कितने क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद आप पार्ट ए को डिटेल्स एक्सप्लेन करें. जी थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ. एज यू कैन सी कि पार्ट ए है ना जो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास होते हैं 20 क्वेश्चंस. ठीक है, and we have got 15 minutes to do them. जो दूसरी स्लाइड अभी बनी हुई है उसे आप ओपन करें, जो प्रेजेंटेशन है उसमें पार्ट ए में कितने एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन कितने हैं और कितने टाइम में करना है, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन हैं और कितने टाइम में करना है, और पार्ट सी में कितने क्वेश्चन हैं, और ये बताइएगा पहले. जी मैं आतिफ भाई, थैंक यू. जी मैं यही बताने लगा था कि पार्ट ए होता है जो आपका, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं. जी, और उन 20 क्वेश्चंस को थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. एंड फॉर दिस होल पार्ट ए यू हैव गॉट ओनली 15 मिनट्स. ओके, एंड देन कम्स द पार्ट बी इन विच देयर आर 6 एमसीक्यूज एंड अ पार्ट सी इन विच 16 क्वेश्चंस एंड 2 सब पार्ट्स. आर एवरीवन फॉलोइंग मी आतिफ भाई? Am I making myself clear? Okay. So students, I have told you that there will be 1 hour, 15 minutes will be for part A, and for part B and C, you will be given collectively 45 minutes. It's not like part A, कि जैसे कि आपने part A जो 15 minute में करना है, कि उसके इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि आप पार्ट बी भी 15 मिनट में करेंगे. पार्ट बी और पार्ट सी के लिए आपको कलेक्टिवली 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और इन 45 जी आतिफ भाई, और जो आपका पार्ट बी है उसके लिए कितना टाइम है? अच्छा, उसमें पार्ट बी और पार्ट सी दोनों कलेक्टिव टाइम जो है वो आप कह रहे हैं 45 मिनट. जो आपको पेपर मिलेगा पार्ट बी और सी कलेक्टिव होगा और उसके लिए आपके पास 45 मिनट्स होंगे. स्टूडेंट्स, इसमें डॉक्टर एम एस मेहत ने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो पार्ट ए है उसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, आपने 15 मिनट में करने होते हैं. ठीक है, और जो और उसके बाद जो पार्ट बी और सी है
ये इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं, और पार्ट बी में 6 एमसीक्यू होते हैं, और पार्ट सी में जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके दो वो सब सेट होते हैं, एक सेट में 8 क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरे सेट में 8 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल पार्ट सी में 16 क्वेश्चन होते हैं। ओके डॉक्टर अहमद समीत जी, थैंक यू आतिफ भाई। अब डॉक्टर अहमद समीत आपको बताएंगे जो पार्ट ए है वो एक्चुअल एग्जाम में किस तरह का होता है, और पार्ट ए के अंदर कितने पैराग्राफ होते हैं जिसको आपने रीड करना होता है, और इन पैराग्राफ में आपके 20 एमसीक्यू के आंसर छुपे होते हैं जिसको आपने रीड करना है, और फिर उसको एमसीक्यू फॉर्म में जो फिल इन द ब्लैंक करना। जी डॉक्टर जी, तो आतिफ भाई आप भी और ये सब स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे कि इस वक्त टेस्ट ए सैंपल में हमारे पास एक रीडिंग का है, एक सैंपल टेस्ट, उसमें टेक्स्ट ए आप देख रहे हैं, आप उसमें टेक्स्ट बी देख रहे हैं, एक टेक्स्ट सी है, एंड देन इन द एंड कम्स टेक्स्ट डी। ठीक है, अभी आई वुड लाइक टू आतिफाई मैं अपनी अप्रोच बताना चाहूंगा, आप कुछ और पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो मैं बस स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर सकूं? स्टूडेंट इसमें जो आपको ये पार्ट जो रीडिंग का पार्ट है उसमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, और डॉक्टर अहमद समीद आपको ये बताने लगे हैं कि इन 4 पैराग्राफ को आपने, ये टिप्स हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इन ये वो टिप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, इसके बाद कोई और अकेडमी कोई ट्यूटर आपको कोई चीज़ नहीं बताएगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो टिप्स बताए जाएंगे इसलिए आपको पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई किसी और पर्सन से कोई आपकी रीडिंग सही करवाएगा, उस रीडिंग के लिए आप किसी को पे करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन टिप्स को जो आपको बताए जाएंगे इनको आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करने से बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और आपका एग्जाम पास हो जाएगा, एंड में फिर यही टिप्स हैं जो आपको बताए जाएंगे। जी डॉक्टर अहमद समीद आप बताएँ। जी आतिफ भाई, अभी मैं रीडिंग के स्किल्स बताना चाहूँगा कि अभी आपने कोशिश करनी है, जब आपने एग्जाम स्टार्ट करना है ना ऑलरेडी का रीडिंग सब सेक्शन में आप आ गए हैं, तो आई विल एडवाइस कि आपने ना ये जो 4 पैराग्राफ्स हैं ना, ठीक है, इनको आपने मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में रीड कर दें, ठीक है, ख़ासतौर पर जैसे अभी एक आपको मैं सैम्पल दूंगा जो फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट सी है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना, टेबल्स हो गए बहुत बड़े, ठीक है, और अगर कोई इस तरह का फ्लो चार्ट आता है लंबा सा, ठीक है, आपने इस पर फ़ौरन टाइम ज़ाया नहीं करना इतना, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ले जाएगा, ठीक है, और आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई अगले 3-4 मिनट में मैं कैसे करूँ, लिहाजा आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप पार्ट ए भी ए पढ़ें, बी पढ़ें, सी का थोड़ा सा ओवरव्यू लें कि ठीक है भाई ये कहना क्या चाहता है, हल्का सा ऊपर ऊपर से देख लिया डैट्स इट, देन आप पढ़ें पार्ट डी। जैसे ये जो पार्ट सी टेक्स्ट सी है इसका जो टेबल है मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने इस पर तब आना जब आपने आगे क्वेश्चन देखना है कि हाँ भाई टेक्स्ट सी से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक पूछा गया है, फिर आपने इतने बड़े टेबल को इम्पोर्टेंस देनी, पहले आपने अपना सारा टाइम इस टेबल पे ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसमें चीदा चीदा छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं, आप पहले ढूंढना शुरू हो जाएंगे, आपको अभी क्वेश्चन का नहीं पता तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और दूसरा ये होगा कि आपको कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा, लिहाजा इस तरह के सैम्पल टेस्ट में मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, आप पहले ए पार्ट ए पढ़ें, टेक्स्ट ए पढ़ें, टेक्स्ट बी पढ़ें, जस्ट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट सी एंड देन टेक्स्ट डी, आप ये चीजें पढ़ लें, ठीक है, एनीथिंग आतिफ भाई? जी ओके, मैंने मैडिंग शेयर कर रहा था, ठीक है, ओके जी, अभी आज आप आ जाएं स्टूडेंट्स, अभी किसी का क्वेश्चन है कोई पूछ सकता है, जहां आपको समझ नहीं आएगी आपने चैट में पूछ लेना है कि सर ये बता दें, सतीन थोड़े वो थोड़ा बड़ा कर लें, डॉक्टर अहमद समीत जी जी जरूर आतिफ भाई जी, डॉक्टर आतिफ शुड आई कंटिन्यू? जी जी बिल्कुल जी, अभी जैसा कि हमने बताया कि अब आपने 15 मिनट के अंदर अंदर सारे आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी आते हैं कि बेटर अप्रोच क्या है,
ठीक है, आपने तीन टेक्स्ट पढ़ ली है, चौथे का आपने बस टेक्स्ट ही का आपने जनरल सा ओवरव्यू लिया है, क्योंकि डेट इज अ वेरी कम्प्लेक्स यू सी टेबल एंड a lot of arrows you have to go here and there. So then okay, come down, come to questions. Now I would suggest you that although it may sound cheesy or not very conservative, just skip first 7 questions in which you just have to write A, B, C or D. You see in question 1 to 7 aapne ye batana hai ki ye jo question pucha gaya hai, फॉर एग्जाम्पल रिस्क पूछे गए हैं एक चाइल्ड में एनजी ट्यूब फीडिंग के, तो वो किस पैराग्राफ में लिखे गए हैं, ठीक है, तो डेट सीम्स क्वाइट ईजी. तो मैं अभी आपको कहूँगा कि भाई अभी आप इसे छोड़ दें, लेट्स गो फॉरवर्ड, ये 7 क्वेश्चन लेट्स लीव देम. नाउ कम टू दिस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हमने जो देखा है, जो दूसरे लोग गलतियाँ करते हैं, वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में लगे रहते हैं, दोबारा पीछे जा रहे हैं, दोबारा आगे आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है. तो टाइम तो आपका उतना लग रहा है, और जो आपने क्वेश्चंस ढूंढने हैं अभी वो आपने ढूंढे नहीं, आपने तो बस पैराग्राफ्स ढूंढे हैं. तो लेट्स स्किप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7. ओके गाइस, अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 to 10. ठीक है जी, ये समझ लें आपके 8 to 15 ये आपके पहले क्वेश्चन है, ठीक है, 1 to 7 अभी आप छोड़ दें, ठीक है जी. अब जब आप इनके आंसर्स ढूंढ लेंगे ना क्वेश्चंस के 8 to 15, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, आप क्वेश्चन ढूंढने के लिए दोबारा कहाँ गए हैं, आप अपने टेक्स्ट में गए हैं दोबारा, ठीक है. नाउ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन, योर रिवीजन, इट इज योर रिवीजन. आपने 8 से 15 जो जितने भी क्वेश्चंस ढूंढने हैं वो आपने टेक्स्ट ए बी और डी, और स्पेसिफिकली अगर देर इज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्स्ट सी, वो आपने ढूंढ लिए, ठीक है. अब स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया, आपने 8 से 15 सॉल्व कर लिए, ठीक है, आपने पीछे जो आप देखे आपने लगा दी, ठीक है. अभी आप आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 to 20. रिमेंबर वी हैव नॉट गॉन क्वेश्चन नंबर 1 to, वी हैव नॉट डन क्वेश्चन नंबर 1 to 7 येट. ओके, हमने 8 से 15 किए हैं और अब हम आ गए हैं 16 से 20. अब दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपने अप्रोप्रिएट वर्ड पैराग्राफ से ढूंढ के लगाना होता है, यहाँ पे फिट करना होता है. सो आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 to 15, जिसकी वजह से मुझे दोबारा पीछे जाके आंसर्स ढूंढना पड़े थे. अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के. अच्छा जी, अब ना मैंने जो जवाब ढूंढने हैं ना, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इन जवाबों को ढूंढने के लिए दोबारा पैराग्राफ रीड करना पड़ रहे हैं. अच्छा जी, ये मेरी तीसरी रिवीजन है इस टेक्स्ट की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट किड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ना, पॉइंट ना, आपकी okay, ये okay. तीसरी रिवीजन है टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी और डी की, ठीक है. तो जब आप 8 से 15 और 16 से 20 सवाल करेंगे तो आपने 3 रिविजन्स कर लेंगे अपने टेक्स्ट की. आफ्टर यू हैव डन से, लेट से आप 12-13 मिनट तक चलेगी, ठीक है ना. अब जो बाद में वापस आना है ना, तो ये चीज आपके लिए हलवा होगी, ठीक है. आपने 2 दफा पढ़ ली है, आपने बस 1 दफा जाके कुछ सवाल तो अब ऐसे होंगे जिनका आपको पहले ही अंदाजा हो गया कि बगैर देखे आपने पीछे ना लगा देना है कि ये है ना जो ये जी पैराग्राफ सी में है, ये पैराग्राफ बी में है, ये पैराग्राफ डी में, क्योंकि यू हैव रिवाइज योर टेक्स्ट 3 times. So as far as we have done, तो ये अप्रोच हमें सबसे बेटर लगी है, और जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं हमने उन्हें यही रिकमेंड बेहतर तरीका साबित हुआ है पार्ट ए के लिए. बस जी जी आतिफ भाई, ये स्क्रीन को बड़ा कर दें थोड़ा, वो जरूर. अच्छा जी, ये जो 20 सवाल है ना, दिस इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू पास योर ओईटी एग्जाम और नॉट. आई कैन नॉट बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन दैट. ठीक है, ये 20 ठीक है, 20 में से मैक्सिमम अगर मैंने आपको मार्जिन देना हो तो मैं आपको 1 या 2 कर दूंगा, या 18 से कम तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है जी. 18, 19, 20 इससे कम नंबर अगर आपके पार्ट ही नहीं आते हैं, देन यू आर इन डीप ट्रबल.
तो मैं यही कहूंगा कि पार्ट ए पे फोकस करना है। डॉक्टर अहमद सईद आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपका पार्ट ए है इसमें 20 क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन होते हैं, ये रीडिंग का सबसे इजी पार्ट होता है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते और 18 से कम मार्क्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को डिफिकल्टी में डाल रहे हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें इसमें स्कोर हाई स्कोर लेना आसान होता है, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी जो है, पार्ट सी डिफिकल्ट होता है, उसमें आपके लिए ज़्यादा स्कोर लेना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो आपने हाई स्कोर लेना होता है, अगर इधर आप वो सेफ जोन में तो आप आगे इजीली, वो कोई मसला नहीं है कि बी और सी में आप ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आप इधर जल्दी करके तो वो फिर इशू होगा और फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और इसमें 18 स्कोर लेना मुश्किल नहीं होता है, इजी होता है क्योंकि ये सबसे आसान पार्ट है। जी डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर आतिफ आप कोई और बात करना चाहेंगे पार्ट ए के बारे में? डॉक्टर उस्मान अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि आप इसमें किस तरह करते थे, ये तो डॉक्टर अहमद समीद ने स्ट्रेटजी बताई है आपकी, उन्होंने किस तरह की, आप अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो आपने स्ट्रेटजी यूज की ड्यूरिंग ओईटी एग्जाम। डॉक्टर अहमद समीद और डॉक्टर उस्मान अगर दोनों ने यूएस में स्टेप 1 और यूएस में स्टेप 2 किए और ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह एमडी हैं, दोनों ही एमडी हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली ही ओईटी एग्जाम दिया था, तो अभी ये बता आपको गाइड कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अगर आप हमें कुछ अपनी स्ट्रेटजी या कुछ कि आप किस आपके अप्रोच क्या थी इस पार्ट को करने की, तो ये वो भी अच्छा होगा। जी डॉक्टर आतिफ, मेरी अप्रोच ये थी बेसिकली ये कि आपको जब रीडिंग का पहला पार्ट ए दिया जाता है तो ये आपको एक सेपरेट पार्ट ए दिया जाता है, आपको 15 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपने आपको बॉल पॉइंट आप जाते हैं, आपको एक पेंसिल दी जाती है, रेजर दी जाता है, सारा कुछ शॉर्पनर वगैरह। तो मेरी ये अप्रोच होती थी कि 15 मिनट में मेरा ये टारगेट होता था कि विद इन 5 to 6 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट से रखता था कि मैं 5 से 6 मिनटों में मैंने ख़त्म करना होता था टेक्स्ट ए बी सी और डी में रीड करता था, तो मैं पेंसिल के साथ जो मुझे आप साथ अपना पेन यूज करने तो वो ज़्यादा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। जी तो टेक्स्ट ए है, टेक्स्ट बी है, टेक्स्ट सी है और देन हमारे पास टेक्स्ट डी है, ठीक है। तो अब मैं मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी कि मैं मेरे पास 15 मिनट है तो मैं 15 में से 5 से 6 मिनट में मैंने इन टेक्स्ट को रीड करना होता था। तो अब बात करते हैं लोग कि यार 4 पैराग्राफ हैं, 2 पेजेस हैं, तो 5 से 6 मिनट में कैसे हम रीड कर सकते हैं, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि 5 से 6 मिनट में हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो उसका ये होता था कि आपने बिल्कुल स्पीड में जाना है, आपके पास एक पेंसिल है, जिस तरह आप एक अखबार पढ़ते हैं ना, आपने स्पीड में जाना है, आपको जो बात इम्पोर्टेंट लगती है आप उस पर मार करते हैं। जैसे अब हम ये पैरा ए हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो अब इसमें क्या देखेंगे हम कि नेजोगैस्ट्रिक इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एंट्रल फीडिंग, मोस्ट कॉमन पे निशान लगा ले, शॉर्ट टर्म में यूज होता है, आप वहां पे आपके पास आप इसको मार्क कर सकते हैं, आप सर्कल कर सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, आपके पास पेज होता है, पेंसिल होती है, तो आप कर सकते हैं। तो अब मेरे तो था कि लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं गैस्ट्रोस्मिकर, जिस तरह हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म पे है, लॉन्ग टर्म में है, देन फिर प्रोसीजर मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन होता है, नोटिसेबल है, ठीक है, रीइंसर्शन होती है, एस्पायरेशन का पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग यूज पे रिफ्लक्स हो जाता है, डैमेज टू स्किन ऑन द फेस, खत्म। अब हम चलेंगे आगे टेक्स्ट बी पे, अब इसी तरह हम टेक्स्ट बी में देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, फाइन बोर्ड की कुछ बात लिखी हुई है, ये 30 डेज है, ये इस तरह आपको जो मीन के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो खासतौर पर आपके पास न्यूमेरिक लिखे हुए हैं 55, 75, 85, इन पे आप निशान लगाते जाएं, आगे चलते जाएं, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम इसको 5 से 7 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं देना, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा टाइम देंगे तो आपके पास इन क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपने आगे इनको लिखना भी है। अब जी आपने इनको कर लिया, आपने 5 से 7 मिनटों में इनको इन 5 से 7 मिनट में इनको पढ़ लिया है, अब पढ़ने के बाद आप फौरन आगे आए, अब आपके पास 8 से 9 मिनट रह गए और आपने उन 8 से 9 मिनट में इन 20 क्वेश्चंस को करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी, मैंने और डॉक्टर एम एस मीन ने इकट्ठी तैयारी की थी, तो हमारी स्ट्रेटजी ये सेम थी कि हम जो पहले 7 थे ना इनको हम स्किप कर देते थे, क्योंकि ये सबसे आसान है और अगर आप इन पे टाइम लगा रहे हैं तो बाकी जो मुश्किल है उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा। तो हम आते थे आगे, आप 8 से 15 में आपने सवाल पढ़ा जी व्हाट टाइप
what type of tube should you use for patient who needs nasogastric feeding for an extended period? ज्यादा period के लिए आपको कौन सा चाहिए? आप फौरन पीछे जाएं speed में, आपको याद आना चाहिए कि extended period में देखें जी gastrostomy के लिखी हुई चीजें, आप उठाएं वहां से जो भी इस्तेमाल कर आपको जो पॉइंट मिलता है आप वहां से जाके लिख लें. देन आप अगला सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें आपको याद आएगा कहाँ पे लिखोगे आप लिख लें. इस तरह आप ये 8 से 15 ये करें, देन आप आगे आए 16 से 20 करें. अब ये जो है ना, ये वो क्वेश्चन है जो इनमें मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको पीछे जाना होता है, आपको एक प्रॉपर वर्ड उठा के आना है उन पैराग्राफ्स में से जो आपके चार पैरा थे ए बी सी डी, वहां से आपको पैराग्राफ से उठा के लाना है और आपने उसको यहाँ पे लिखना है. ये हो गया. अब अगर आपके पास 2 से 3 मिनट भी बच रहे हैं ना, तो ये जो इसका ए है, इसका बी है, इसका काम है, तो आप इनको देखते हो अच्छा ये कहाँ पे लिखो, ये कहाँ पे लिखो, था ये आप इस तरीके से कर लेते हैं. तो जिस तरह डॉक्टर एम एस मीन ने आपको बताया है कि इस तरह के से अगर आप इसमें से 20 में से 18 नहीं ले रहे, तो आपने टोटल आपने 30 लेने हैं. लिसनिंग हो गई, रीडिंग हो गई, आपने मिनिमम 30 लेने हैं. 30 पे आपका 30, 60, 50 जो स्कोर पासिंग है वो बन रहा है. 30 से आप नीचे जा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं. 30 पे आपका पास 30 पे आपका 350 स्कोर बन रहा है जी. 350 आई थिंक. हाँ, ग्रेड बी हमें मिनिमम ग्रेड बी चाहिए होता है, तो 30 पे आपका ग्रेड बी बन रहा है, क्योंकि ये मोस्ट यानी कि आपके पास जो मार्जिन होता है वो 12 का होता है, दो का इधर. हाँ, वैसे ओवरऑल 12 का है, लेकिन हम इधर पे हम 2 का मार्जिन देते हैं पार्ट ए में. ठीक है, आप 2 मिनिमम आप करें. इसके बाद ये होती है पार्ट ए की हमारी स्ट्रेटजी. अब हम आते हैं पार्ट बी पे. तो अब पार्ट बी है हमारे पास और पार्ट सी है. सर हमने पहले बताया था कि हमारे पास रीडिंग में पहले 20 क्वेश्चंस हैं पार्ट ए में, देन हमारे पास पार्ट बी में 6 हैं, पार्ट सी में हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं. हमारे 2 सब पैराग्राफ हैं जिनमें ए होता है और बी 8 और 8. अब हमने इन 20 क्वेश्चंस की बात कर ली है, अब हम करेंगे इन 22 क्वेश्चंस की, जिसमें हमारे पास पार्ट बी में 6 हैं, हमारे पास पार्ट बी में 16 क्वेश्चंस हैं, कि हम इनको हम क्या किस तरीके से हम इनको टैकल करते हैं. अब पार्ट बी का जो 6 क्वेश्चन है ना उसके, ये जिस तरह हम ये सैंपल है जो बिल्कुल एग्जाम में भी इसी तरीके से आता है. ठीक है, तो कोई मतलब कोई चेंज नहीं होती. पार्ट बी का जो आपके पास 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको इस तरह का ऑलमोस्ट 100 to 150 वर्ड का आपको ये एक्सपेक्ट दिया जाता है. ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन होता है और उसके 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं, और आपने उनमें से चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपने आपका ठीक है कंसिडरिंग किस नीचे वाले पैराग्राफ से. अब इसमें हम क्या करते थे कि हम आपने पढ़ा आपका क्वेश्चंस क्या है, अगर इफ वैक्सींस हैव बीन स्टोर्ड इनकरेक्टली रिपोर्ट दिस शुड बी रिपोर्टेड. पहला आपका ये है, स्टाफ शुड डिस्पोज ऑफ देम सिक्योरली. तीसरा आपके पास है, दे शुड बी सेंट बैक टू द सप्लायर. अब आपके पास उसने वैक्सीन की स्टोरेज पे सवाल पूछ लिया, अब नीचे आपको उसने पूरी वैक्सीन का पैराग्राफ दिया हुआ है, ये क्या बात है. अब आपने फिर स्पीड में जाना है, आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है, 2 से 3 मिनट में आपने इसको पढ़ना है और आपने समझना है कि ऊपर वाला मेरे पास क्या बन रहा है. तो पार्ट बी में आपके पास इस तरह 6 क्वेश्चंस होते हैं. ये पहला था, ये देखें ये दूसरा, इसमें भी आपने वही सवाल पढ़ना है. ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस देखने और देन आपने सवाल पढ़ से पैराग्राफ पे जाना है. अब इसमें कुछ लोगों की ये होती है स्ट्रेटजी कि वो कहते हैं कि जी पहले आप पैराग्राफ पढ़ लें फिर आप क्वेश्चंस पढ़ें, तो इस स्ट्रेटजी से आपका टाइम ज्यादा लग रहा है. अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ के उसके ऑप्शंस देख के आप नीचे आ रहे हैं ना, तो आपको पता है कि मैंने नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है. अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो वैसे आप सारी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लग रही होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से आ रहे हैं तो आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन का पता होता है. जैसे आपने क्या देखना है, इन 3 पॉइंट्स पे बात करनी, तो आप उन 3 पॉइंट्स को नीचे देखते हैं कि अच्छा ये पॉइंट ठीक है. क्योंकि इसमें वो क्या करता है, इसमें बेसिकली चक्कर ये होता है कि इसमें वो तीनों बातों को ही लिखता है अंदर, लेकिन वो एक आध चीज ना चेंज करता है. तो आपने बस वो वाली चीज नहीं लगानी, जो ठीक है आपने उसको फिल कर देना है. ये आपके 6 क्वेश्चंस पार्ट बी के होते हैं. पार्ट बी में एक और स्ट्रेटजी ये भी है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर पैराग्राफ पढ़ लें और उसके बाद ऑप्शन रीड कर लें. तो ये भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. तो जी डॉक्टर उस्मान हैदर, देन अब हम बात करेंगे पार्ट सी पे. अब पार्ट सी जो होता है ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है आपके एग्जाम का, क्योंकि अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही आप पार्ट सी से मतलब जनरली लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं. डॉक्टर उस्मान
डॉक्टर अहमद समईद, आप इसमें पार्ट बी में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आप बताना चाहेंगे? जी डॉक्टर आते, डॉक्टर अहमद समईद को आई थिंक घर से कॉल आई है तो वो अभी कॉल सुन रहे हैं, तो क्योंकि हम लोगों की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम थी क्योंकि हमने प्रिपरेशन सेम की थी, तो मैं बता रहा हूँ। देन अब हमारे पास आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास दो पैराग्राफ्स होते हैं, दो टेक्स्ट भी होते हैं। ये हम दिखा रहे हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट वन है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट वन है, इसके ये पैराग्राफ डिफरेंट दिए हुए हैं। देन आगे आप जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट वन के, आगे फिर आप जाते हैं तो आपके आएगा, ये आ जाएगा आपका टेक्स्ट टू। टेक्स्ट टू में भी इस तरह पैराग्राफ दिए होते हैं। अब इनमें हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप सबसे पहले पैराग्राफ ना पढ़ने बैठ जाए, सेम स्ट्रेटजी पीछे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं इतना कि आप सारे ये, क्योंकि दो पेजेस होते हैं और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ, एग्जाम में बिल्कुल इससे भी ज्यादा लिखा होता है। इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप सबसे पहले ये लिखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना, अब आठ क्वेश्चन एक पैराग्राफ के हैं, आठ क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ के हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में वो बाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ रहा होता है कि ये चीज आप उस पैराग्राफ से देखें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं तो ये कह रहा है जी पैराग्राफ वन में जो ये वर्ड लिखा हुआ ना, अभी इसको जाके देखें। आप जाएं पैराग्राफ वन में, अब हम वापस भी आएंगे, ये देखें ये पैराग्राफ वन में ये वही वर्ड लिखा हुआ है, आप पीछे वाली लाइनें पढ़ें समझे, और फिर जब आप उसका आंसर जाके लगाएं। सेम अब आप नीचे जाएंगे तो आपको थर्ड पैराग्राफ में देखें, इन द थर्ड पैराग्राफ राइटर ने क्या बात की। आप चार ऑप्शन पढ़ें, पीछे जाएं वही थर्ड पैराग्राफ पढ़े और आके आंसर लगा दें। फिर वो कहेगा जी फोर्थ पैराग्राफ में क्या है, जी फोर्थ पैराग्राफ में पीछे जाएं वही बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से ना इसको इस तरह फाइनल पैराग्राफ में द वर्ड दिस रेफर्स टू, आपने इस तरीके से इसको जाके हैंडल करना, ना कि आप बहुत से लोग इसमें ये करते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें और उसके बाद आगे जाएं, उसके आंसर्स पढ़ें, उसके ऑप्शंस पढ़ें और फिर देखें। तो इसमें हमारी ये स्ट्रेटजी होती है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है रीडिंग की, पार्ट ए बी सी की। डॉक्टर आतिफ आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप जी, जो पार्ट सी है इसमें आपने ये कर लें कि जब पैराग्राफ आपने पढ़ने हैं तो उनको नंबरिंग दे रहे हैं ताकि आपको दोबारा वो काउंटिंग में इशू ना हो, 1 2 3 4। और इसमें तकरीबन आपके 8 पैराग्राफ होते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट पहले पैराग्राफ में, उसका आंसर पहले पैराग्राफ में होता है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर आपके ऑलमोस्ट जो है, ये 100% ट्रू नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। कि सेकंड पैराग्राफ जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड पैराग्राफ में होता है, थर्ड का थर्ड में, तो इस और बाल का तो उसने लिखा भी होता है और बाल का तो वो उसने कुछ वर्ड हाईलाइट किए होते हैं, तो वो वर्ड आपने उस पैराग्राफ में जाते हैं और उसका उसी के रिलेटेड आगे पीछे 2-3 लाइनें पढ़ते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरह आपका जो वो जो टाइम है वो आपका जो है सेव हो जाता है। तो ये जो पार्ट सी है इसमें दो टू सबसेट हैं और हर एक सेट में 8 क्वेश्चन है। तो ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं 2 पैराग्राफ हैं और उन यानी कि आपके 8 क्वेश्चन है एक सेट में और फिर 8 क्वेश्चन है 8 सेट में। तो ये आपके पार्ट सी में टोटल जो एमसीक्यू होते हैं वो आपके 16 होते हैं, 6 आपके पार्ट बी में थे और 20 आपके पार्ट ए में थे। तो ये आपके 42 टोटल एमसीक्यू बनते हैं और इसमें आपको 12 का मार्जिन होता है और इसमें जो पहला है उसमें जो पार्ट ए है उसमें 2 का मार्जिन आपको हमने दिया है और जो उसके बाद पार्ट बी एंड सी है इसमें आप 10 का मार्जिन दे सकते हैं कि आप रॉन्ग कर सकते हैं। और जो पार्ट सी सबसे डिफिकल्ट होता है। जी डॉक्टर डॉक्टर उस्मान आप कुछ और कहना चाहें, कुछ बताना चाहें? रीडिंग के बारे में यही था, रीडिंग के बारे में यही था। जो कुछ आपने किया है और माशाल्लाह डॉक्टर उस्मान ने आपको बहुत अच्छा बताया, बस इसका ओवरव्यू ये है रीडिंग का
बहुत आसान है कि आपके जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए है, उसके फोर पैराग्राफ हैं ए बी सी, इसको आपने रीड करना है। पहले एक ओवरव्यू आपने लेना है, जिसे कहते हैं बर्ड आई, ईगल आई कह लें, आपने जल्दी जल्दी देखना है, अच्छा अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो, उसके बाद आपने आपने ये करना है कि इसके जहाँ क्वेश्चन है, जो जो पहले 7 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपने ये बताना होता है कि ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ ए में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ बी में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ सी में लिखा है, ये डी में लिखा है, बस आपने मैचिंग करनी है। लेकिन इससे पहले नहीं करते, इससे पहले आप करते हैं, आप पहले 7 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन उसके 8 से 15 जो फिल इन द ब्लैंक है उसको आपने फिल करना है। तो जब आप फिल इन द ब्लैंक कर रहे होते हैं, जो आप उसने पूछा हुआ है, आप जो क्वेश्चन होता है आप उसका आंसर देखने के लिए आप इन इन पैराग्राफ को देखते हैं, अच्छा इसमें ये है। तो जब आप ये 8 through 15 MCQ कर रहे होते हैं तो आप बार बार जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये इनके आंसर किस किस पैराग्राफ में लिखे होते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बजाय के जो है वो इस इधर आए, इसके जो नेक्स्ट है इसका 16 to 20 इस पे आए, आप इसकी बजाय पहले मैचिंग कर लें। वो इसलिए ये इजी क्वेश्चन है और इसमें अगर आपको मिस हो जाता है, अगर फर्ज किया कि अगर आप एंड पे करते हैं, इसको एंड पे ले जाते हैं और पहले आप ये कर लेते हैं, तो हो सकता है आपके पास टाइम कम बचे और आपने जो मैचिंग वाला ए पार्ट था उसमें कुछ आपका मिस हो जाए। तो पहले आप फिर ये वाला करें, इसको पहले पे रखें, यानी कि 8 to 15 इसको आप फर्स्ट इसे कर लें और आप उसके बाद पहले जो 7 है वो कर लें, इसे सेकंड पे रख लें, सेकंड पे आप ये कर लें और थर्ड पे आप जो है ये जो 16 to 18 फिल इन द ब्लैंक है इसको इस तरह कर लें। बाद अब आप ये कहते हैं कि आप पहले ये करें 18 to 15 फर्स्ट, तो और उसके बाद आप ये जो 16 to 20 है इसे सेकंड पे रखें। तो जब आप इतने क्वेश्चन ढूंढ चुके होते हैं उन पैराग्राफ ए बी सी में, तो आपको वैसे ही पता होता है कि ये याद हो चुका होता है कि ये जो वर्ड है फीडिंग ट्यूब, ये किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी एक मिनट में कर लेते हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजी है, आप दोनों स्ट्रेटेजी यूज कर लें, जो आपको सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कर लेना है। उसके बाद ये जो रीडिंग है उसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 6 MCQ हैं जो आपने करने होते हैं, और 6 MCQ किस तरह करने होते हैं, उसने आपको ये एक पैराग्राफ दिया होता है, इसमें आपका आंसर होता है, जिसको आपने इस पैराग्राफ में आपका आंसर लिखा हुआ है, ये वो क्वेश्चन देता है कि भाई ये क्वेश्चन है। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट जो है आपने क्वेश्चन रीड करना होता है, ये आप फर्स्ट ये कर लिया, आपको पता चल गया यार, आपने फुल कंसंट्रेट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जो वो पूछना चाह रहा है उसको आपने अपने ज़हन में रखना है, अपने माइंड सोचना है, अब आपके ज़हन में उसको जो भी आपका है यार, आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस पैराग्राफ को करते हुए वो जो चीज इधर लिखी हुई है, जो पूछी हुई है, उसको आपने माइंड में हिट करते जाना है कि इसका ये वैक्सीनेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टोर वैक्सीन इनकरेक्ट, जो भी वो वर्ड जो उसने पूछा हो वो आपने इधर से ढूंढ लेना है। फिर आपने ये जो ऑप्शन है तो सेकंड, फिर आपने ये पैराग्राफ रीड करना है और थर्ड पे आप ये जो ऑप्शन है, थर्ड पे आप ये ऑप्शन रीड करेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसे लगा लेंगे। तो ये सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन है और कुछ नहीं, उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट आपने ये देख लिया, उसके बाद आप सेकंड पे आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, थर्ड पे आप यहाँ आए और ये ऑप्शन जो आपको उसके अकॉर्डिंग लगा आपने उसे रीड कर लेना है। तो ये आपकी पार्ट बी की स्ट्रेटेजी है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस है, कोई अकेडमी कोई ट्यूटर इसमें आपको
देगा, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप रीडिंग करेंगे रीडिंग करेंगे। लास्ट पे है आपका पार्ट सी, ये सिक्स है, और इसमें आपको, इसमें भी आपको टू मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन ये सिक्स पार्ट बी में सिक्स आपके एमसीक्यू होते हैं। उसके बाद पार्ट सी, जो पार्ट सी है इसमें, इसके आगे पार्ट सी के दो पार्ट हैं और दोनों में एट एट इस तरह के पैराग्राफ होंगे, तो एट एमसीक्यू इसमें इससे आएंगे और एट दूसरे से आएंगे। तो जो पहला सबसेट है वो दिया हुआ है एस्बेस्टोसिस के बारे में, ये सब कुछ बताया हुआ है। इसमें आपने फर्स्ट ये करना है कि आपने पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, थ्री, सॉरी अच्छा पैराग्राफ थ्री ये नंबरिंग कर ली, ये नंबरिंग करने के बाद पैराग्राफ फोर ये नंबरिंग कर ली। तो पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इसके एमसीक्यू देखने हैं। तो ये आपने रीड कर लिया और इसके ऑप्शन रीड कर लें, और फिर आप उस पैराग्राफ में जाएं और देखें कि उसने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पूछा हुआ है। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू होता है उसका आंसर आमतौर पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होता है। तो ये आपका है स्ट्रेटेजी, और ये फिर ये वर्ड जो लिखे होते हैं ये उसने हाईलाइट किए होते हैं, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें अब जो है हम ये इसकी स्ट्रेटेजी या पार्ट सी की, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है इसमें। अगर इसमें अगर आपका स्कोर कम भी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। अब हम लिसनिंग की तरफ आते हैं, सॉरी ये आपका पार्ट सी है, ये पार्ट सी के एट एमसीक्यू हैं और इनको बताया जा चुका है किस तरह करना है, और ये पार्ट सी का दूसरा सेट है, दूसरा पैराग्राफ है, और उसी इसी को भी आपने उसी तरह करना है कि इन पैराग्राफ को नंबरिंग कर लेनी है, फिर एमसीक्यू रीड करना है। एमसीक्यू रीड करने के बाद ये आपने फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आमतौर पर फर्स्ट पैराग्राफ में होता है, सेकेंड एमसीक्यू का आंसर आमतौर पर सेकेंड पैराग्राफ में होता है, तो वही स्ट्रेटेजी है। अब हम आएंगे लिसनिंग की तरफ।